हरियाणा में एक बार फिर से मौसम के करवट लेने के बाद भूमि पुत्रों के चेहरे खिले हैं। हालांकि ओलावृष्टि का डर जरूर किसानों को सता रहा है और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। खासतौर पर सरसों की फसल जो है वो पकाई की तरफ, आप देख पाएंगे सरसों के खेत में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, फूल पूरी तरह से आ चुके हैं, अब फलियां आनी शुरू होंगी। ऐसे में सरसों की फसल पकाई की तरफ है और अगर ओलावृष्टि होती है तो नुकसान जरूर होगा। पहले पाले की वजह से नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरह से मौसम परिवर्तित हुआ था तो उससे राहत जरूर मिली थी। बहरहाल अब गेहूं की फसल के लिए जो बारिश बताई जा रही है, पानी के कोर की बेहद जरूरत थी, तो गेहूं की फसल के लिए ये पानी रामबाण यानी एक तरह से अमृत की बूंदों के समान साबित होगा। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि दक्षिणी हरियाणा के कुछ जिलों में जिस तरह से बारिश बूंदाबांदी हो रही है, पानी का बेहद यहाँ पर टोटा माना जाता है क्योंकि नहरी पानी कम ही मयसर हो पाता है। कोशिश जरूर की जाती है कि जब बारिश आए तब पानी मिले, लेकिन इसके बावजूद अगर इस महीने की बात करूं मैं, जनवरी का महीना बीत चुका, जनवरी के महीने में बारिश नाम की हुई थी, आखिरी दिन जनवरी के महीने में बारिश दर्ज की गई थी, पिछले 13 साल का रिकॉर्ड भी टूटा था जब जनवरी बिना पानी के बिना बारिश के सूखी ठंड के साथ गई थी। लेकिन बहरहाल जिस तरह का टेम्परेचर है, जिस तरह का तापमान है, ये तापमान गेहूं की फसल के लिए पूरी तरह से माकूल माना जा रहा है, पूरी तरह से इसको एक तरह से वरदान माना जा रहा है। आने वाले 3-4 रोज तक इसी तरह का मौसम रहेगा। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, 2 दिन की बात करें, पहले की बात करें, बारिश हुई थी, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई थी, पहाड़ों में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। और कहीं कहीं अगर मैं बात करूं 6.5 डिग्री तक तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करूं, वो भी गिरा था। तो निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि ये मौसम जो है फसलों के लिए कहीं ना कहीं माकूल है। भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की जाए, भले ही ठंड और बढ़े, लेकिन भूमि पुत्रों के चेहरे कहीं ना कहीं खिले हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़।